के हाथों में पंखुड़ी का हाथ, आँखों से छलकता प्यार बेशुमार और फिजाओं में गूंजता संगीत। ये रोमांटिक सीन देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि आदित्य और पंखुड़ी को फिर हो रहा है प्यार का दर्द, तो ये बिल्कुल गलत है। मुझे यहाँ दर्द तो है मगर प्यार का नहीं, चोट का। और पंखुड़ी की इसी चोट पर प्यार का मरहम लगा रहे हैं आदि। पर अब ये भी तो बता दीजिए कि ये चोट लगी कैसे। वो पानी गर्म कर रही थी और उनके ऊपर उबलता हुआ पानी गिर गया और चोट लग गई तेरे, और फिर मुझे बुरा लगा और मैंने मलहम लगाया और थोड़ा प्यार दिया और अभी दिखाओ चला गया। चला गया। मुझे जाएगा कैसे नहीं पंखुड़ी, इतने प्यार से आदित्य ने मरहम जो लगाया है आपको, और आदित्य के इस प्यार पर इस कदर पैदा हो गई पंखुड़ी कि रोज चोट खाने को तैयार है। रोज चोट लगा क्या हूँ, रोज हमारे मलम लगाएगा, मुझे मलम लगाएगा आदि, ठीक हो जाएगा। भाई आपकी चोट तो आदि के प्यार के मरहम से ठीक हो जाएगी, लेकिन उस चोट का क्या जो आदि के दिल पर लगेगी जब उन्हें आपके नए जॉब के बारे में पता चलेगा। वैसे पंखुड़ी ने तो काफी कोशिश की थी आदित्य से बात करने की, लेकिन वो ही सुनने को राजी नहीं हुए। मुझे वहाँ की और बातें नहीं करनी, नहीं जानना यार, थोड़े उसे काम करूँ मैं अपना। बात खत्म और डिस्कशन नहीं चाहिए, तू जा सो जा, मुझे अपना काम करना है। ओके काम भी कर लीजिएगा आदित्य, लेकिन उससे पहले जरा काम की ये बात भी तो सुन लीजिए। मैं मुसीबत बनने वाली। करेक्ट, हो गया इस बार ये मुसीबत बनने वाली। मुसीबत तो आएगी जब आदित्य अवंतिका और हर्ष को पता चलेगा पंखुड़ी का राज, लेकिन उस दर्द से पहले तो आप लोग एंजॉय कीजिए आदित्य और पंखुड़ी के प्यार की इस दर्द को, जो है मीठा मीठा प्यारा प्यारा। साधना, मुंबई आज तक।